संसार पुस्तक है। प्रिय इंदु, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है, छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। तुम इतिहास किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था, किताबें कौन लिखता? तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो? उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती है। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीजें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मजे की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पुष्ट हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। कोई जबान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? वह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया और उसके खुरदरे किनारे या कोने कैसे चिकने व गोल हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता, फिर भी यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम रोड़े के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय, जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले ने ढकेलकर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पैंदे में लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम इसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता
तो वह छोटा होते हुए होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता। वह समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, तो जरा सोचो, पहाड़ों और दूसरी चीजों से हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती है। तुम्हारा पिता, जवाहर।